आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट द आई सर्टिफिकेट जी हाँ अगर आप एक स्मॉल बिजनेस है मीडियम है बड़ा बिजनेस चला रहे हैं और आई सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए आई सर्टिफिकेट होता क्या है किस किस टाइप के बनते हैं उसका प्रैक्टिकल में क्या बेनिफिट्स मिलता है क्या डॉक्यूमेंट्स है, लगते हैं कितनी फीस लगेगी कितनी कॉस्ट लगेगी तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको एक ही वीडियो के अंदर वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आई अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन

आपको सेम क्वालिटी का पिज्जा या बर्गर बर्गर जो है अक्रॉस द इंडिया मिलता है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करते हैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये एक आई एस ओ नाइन जीरो जीरो वन यहाँ पे सर्टिफिकेट है जिसके अंदर बाकायदा सर्टिफिकेट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हो गया कब इशू हुआ है कब उसकी एक्सपायरी डेट है ये सारी चीजें यहाँ पे मैंशन होती है अब बात करते हैं कि इस आई एस ओ सर्टिफिकेट के आखिर प्रैक्टिकल में क्या बेनिफिट मिलते हैं तो सबसे पहले जो बेनिफिट मिलता है कि आपको ब्रांडिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में काफी हेल्प मिलता है आप अपने आसपास देख सकते हैं आपको कई सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गए सर्विस प्रोवाइडर हो गए ऐसे मार्केटिंग करते हुए दिख जाएंगे वी आर द आई एस ओ नाइन जीरो जीरो वन सर्टिफाइड या वी आर द आई एस ओ सर्टिफाइड तो भाई इससे इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के माइंड में भी जाता है भाई दे आर द आई एस ओ सर्टिफाइड उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा एक स्टैंडर्ड ब्रांड होगा साथ में भाई यहाँ पे आपको इंटरनेशनल अक्रोचमेंट भी मिलता है मतलब आई एस ओ केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही एप्लीकेबल है अगर आप आउट ऑफ इंडिया भी बिजनेस कर रहे हैं तो भाई ये पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे रिकोनाइज है ऐसा नहीं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करती है पूरे वर्ल्ड में इस आई एस ओ को आप कहीं पर भी वर्क करा सकते हैं इसके अलावा स्पेशली अगर आपको गवर्नमेंट टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो भाई टेंडर्स के अंदर पहले से ही रिक्वायरमेंट होती है कि आई एस ओ तो आपको लेना ही पड़ेगा इसके अलावा भाई आपके एम्प्लॉय रिटेंशन भी बहुत काम आता है मान लीजिए कोई आप इंटर्न हायर करना चाहते हैं इंटर्न को आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं कोई कोर्स का सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी भाई ये आई एस ओ सर्टिफिकेट काफी ज्यादा हेल्प करता है इसके अलावा भाई अगर आप बिजनेस के अंदर एक एसओपी मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ऐसा नहीं है कि एक बार आपने आई एस ओ ले लिया तो बस बैठ गए हर साल तीन साल बाद में आपका इसका रिन्यूअल होता है तो उस टाइम पे ऑडिट वगैरह होती है तो आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है बात करते भाई टाइप ऑफ द आई एस ओ सर्टिफिकेट तो देखिए बहुत सारे टाइप के आई एस ओ सर्टिफिकेट होते हैं लेकिन भाई जो सबसे मोस्ट पॉपुलर होता है वो होता है आई एस ओ नाइन जीरो

और आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे को आई एफ सर्टिफिकेट लेना है या फिर नॉन आई एफ एस सर्टिफिकेट लेना है अब देखिए ये आई एफ और नॉन आई एफ के बीच में भाई डिफरेंस क्या होता है तो जैसे आप मेरी भाई स्क्रीन के सामने देख सकते हो ये मेरे पास में एक आई एस सर्टिफिकेट है तो जो भी भाई आई एस सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर प्रॉपर आप देख सकते हो इस टाइप को हमेशा आपको जो है लोगो देखने को मिलने वाला है और भाई जो नॉन आई एफ सर्टिफिकेट होते हैं उस पर आपको इस टाइप का कोई भी लोगो नहीं दिखेगा नॉर्मली डिफरेंट डिफरेंट लोगोज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे लेकिन जो आई का लोगो होता है वो नहीं दिखाई देता तो देखिए भाई जो आई है वो इंटरनेशनल एकेडमिशन फॉर्म है तो ये एक आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है एक कैंडिडी है जो जितनी भी वर्ल्ड के अंदर जो एजेंसी है जो आई सर्टिफिकेट को इशू करती है उन सभी को कंट्रोल करती है आई सर्टिफिकेट भाई बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा कॉस्टली रहता है एज कम्पेयर टू नॉन आई प्लस इसके अंदर आपको रेगुलर ऑडिट करवानी पड़ती है रिन्यूअल के टाइम पे प्लस ये मेनली जो है आप गवर्नमेंट के जब टेंडर्स अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे काम आता है तो आपकी एक अच्छी खासा बिजनेस लेवल है आपका एक अच्छा खासा मान लीजिए कंपनी है चला रहे हैं आप और आप गवर्नमेंट टेंडर के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली आप आई एफ सर्टिफिकेट के साथ में जा सकते हैं अगर भाई मैं नॉन आई एफ सर्टिफिकेशन की बात कूँ तो ये छोटे छोटे बिजनेस अप्लाई करते हैं ये कुछ अदर बॉडीज होती है जो नॉन आई एफ बेस यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू करती है ये भी लेजीमेंट होते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन एज कम्पेयर टू आई एफ जो है इनका कॉस्ट यहाँ पे लेस आता है कंपनी

आती है आईएएफ सर्टिफिकेशन के अंदर अब गाइस अगर मैं बात करूं कि, कि किसी भी आईएएफ या फिर नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी या आपको चेक करना है कि उसके ऑथेंटिकेशन वगैरह तो आप कैसे कर सकते हैं तो भाई इसके लिए सर्टिफिकेट के अंदर हमेशा एक क्यूआर कोड दिया होता है साथ में सर्टिफिकेट में बॉटम में ही यहां पे नीचे वेबसाइट होती है तो वहां पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालते हैं तो आपको प्रॉपर पता चल जाता है ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है और किसके नाम पे इशू हुआ है इसी तरह जो नॉन आई एफ भी बेस्ड भी सर्टिफिकेट होते हैं उसमें भी सेम होता है वहां पे भी क्यू कोड मेंशन होता है और साथ में यहाँ पे लिंक्स भी दी होती है सर्टिफिकेट के ऊपर जहां से आप इन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं कैसे इस तरह से आप अपने स्मॉल बिजनेस के लिए भी आई और नॉन आई एफ सर्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं मैंने लिंक्स ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है अगर आप लोग कोई भी डाउट्स से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी मच